इसी जोश में रोहित शेट्टी अपनी हिट फ्रेंचाइजी सिंघम 3 में अजय देवगन के साथ वापसी कर रहे हैं, फिर एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक के साथ। अभी तो लोग मुंबई के एटीएस ऑफिसर के साथ मुंबई धमाकों से बाहर नहीं आए थे कि रोहित ने कर दिया और एक धमाका जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को लेकर। 17 अक्टूबर 1949 को यह आर्टिकल भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया था और जैसा कि अब सभी जानते हैं 26 नवंबर 1949 को इसे लागू कर दिया गया था। इंसर्शन ऑफ एक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया की शर्तों के मुताबिक उसमें एक ऐसा उल्लेख किया गया है कि सांसद को जम्मू एंड कश्मीर, रक्षा, विदेशी मामले और संचार के सिवाय किसी भी और विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर को अपना एक अलग संविधान बनाने की भी अनुमति दे दी गई। लेकिन 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 में एक सेक्शन को छोड़कर बाकी सबको खत्म कर दिया। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। 370 के बाद जो आतंकवादी गतिविधियों पर असर पड़ा है उसे भी फिल्म में जरूर दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कश्मीर पर पहली बार फिल्म बन रहा है, इसके पहले भी कश्मीर की स्थिति पर फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन ऐसा पहली बार होने वाला है कि 370 से कनेक्ट करके सिंघम 3 में इसको दिखाया जाएगा। किसी ने कहा है ना कि धरती पर ही स्वर्ग है, यही है, यही है और यही है। वैसे ये फिल्म 2022 के सितंबर महीने में रिलीज हो जाएगी। और आपको एक बात बता दें कि रोहित शेट्टी को ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक लेने का उत्साह भी मिला है।